दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल क्रिकेट प्रिडिक्शन में गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड बनाम इंडिया पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा। आप लोगों को मालूम है जैसे कि T20I तीन मैचों की श्रृंखला थी जिसमें कि भारत ने 2-1 से आराम से यहाँ पे अपनी T20I की श्रृंखला जीत ली। तो वनडे में क्या कुछ हो सकता है सब कुछ आप लोगों को वीडियो में गाइस मालूम चलेगा, तो विदाउट स्किप किए वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं प्लीज़ यहाँ पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इस मैच के बाद कुछ भी टॉस के बाद कुछ भी फर्दर अपडेट वगैरह आएगी ना तो मैं यहीं पर आप लोगों को बता पाऊंगा। यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एक मिनट के लिए गाइस प्लीज़ आप लोग ये यहाँ पर सब्सक्राइबर मत देखो, सब्सक्राइबर इस वजह से कम है क्योंकि जब ठंडी में बिग बैस लीग चल रहा था तो ड्रीम इलेवन वालों की तरफ से स्ट्राइक आ गई थी। मेरा ही नहीं गाइस 90-95% फैंटेसी यूट्यूबर जो कि उनका चैनल डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। प्लस मैंने आईपीएल भी कवर नहीं किया था तो इस वजह से मैं सब्सक्राइबर नहीं गेन कर पाया यहाँ पे। बट कोई नहीं गाइस, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, हम लोग फिर से यहाँ पर पहले की तरह सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है गाइस। Cricket2580 लिखकर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मैच की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 12 जुलाई 2022 5:30 बजे अपने भारत टाइम अनुसार शाम के 5:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा, ठीक है। वेन्यू दी ओवल इंग्लैंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। पिच की बात करते हैं गाइस, बहुत ही शानदार पिच है गाइस, बैटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी पिच है, लेकिन कंडीशन ये है कि बैट्समैन भी अच्छे से खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत शॉट मारते हैं आड़ा तिरछा तो हर बार आप लोग सक्सेस होंगे। टेक्निकल स्ट्रांग बैट्समैन जो कि हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे, अगर अच्छे से खेलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे बना सकते हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अभी वीडियो में चलूंगा तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक है। पहले देखिए हेड टू हेड पर हम लोग नजर डालते हैं क्या कुछ हुआ है। टोटल 103 मुकाबले खेले गए हैं, इंडिया ने 55 मुकाबले वोन किए हैं, वहीं इंग्लैंड में भी 43 मुकाबले वोन किए हैं और 3 मुकाबले जो कि नो रिजल्ट रहा था और 1-2 मुकाबला यहाँ पे टाई हुआ है, ठीक है। अब इस ग्राउंड में हम लोग बात करते हैं क्या कुछ हुआ है। देखिए टोटल 71 वनडे के मुकाबले खेले गए गाइस, टोटल 71 वनडे के मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 30 मुकाबले, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने गाइस 41 मुकाबले वोन किए हैं। मतलब कि आप लोगों को इससे ये अंदाज़ा होगा कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी फर्स्ट बॉलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करेगी क्योंकि यहाँ पे चेजिंग करना ज़्यादा इजी होता है। एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 254 रन है यहाँ पर, और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो कि न्यूजीलैंड की टीम ने 398 रन 5 विकेट खोकर बनाया था, और लोवेस्ट स्कोर यहाँ पर इंग्लैंड का ही है 103 रन बनाकर यहाँ पर ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न पर हम लोग नज़र डालते हैं क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए 14 बार यहाँ पर 200 से कम बना है और 26 बार 200 से 249 के बीच में स्कोर बना है, 250 से लेकर 300 के बीच में 13 बार स्कोर बना है, वही 300 से ज़्यादा 18 बार स्कोर बना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कोर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 200 से लेकर 249 के बीच में बना है। तो एवरेज बात करते हैं हम लोग स्कोर की तो यहाँ पे आप लोग मेरे ख्याल से 240 से लेकर आप लोग 280 मान सकते हो, लेकिन दोनों टीम यहाँ टक्कर की है तो हो सकता है 300 भी इजिली बन जाए। तो होप गाइस आप लोगों ने अभी तक तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ही लिया होगा, अगर नहीं किए तो Cricket2580 लिखकर आप लोग सर्च कर लेना तो आप लोग इजिली यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लोगे। गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ फर्दर अपडेट कुछ भी टॉस के बाद आएगी तो यहीं मालूम चल पाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, आप लोगों को वहाँ भी लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप लोग आ सकते हो। मैं दोस्तों ज़रा सा आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे रिसेंट में कुछ मुकाबले खेले गए थे जिसमें क्या कुछ हुआ है। देखिए एक मुकाबला हुआ था 1 जुलाई 2021 को श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला हुआ था, श्रीलंका की टीम ने 241 रन 9 विकेट खोकर बनाया था, वहीं इंग्लैंड की टीम 244 रन 2 विकेट खोकर यहाँ पर ईजिली 8 विकेट से मुकाबला चेस कर गई थी, ठीक है। उसके बाद एक और मुकाबला हुआ था जहाँ 334 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पर बनाया था और जवाब में श्रीलंका की टीम 247 रन बना के ऑल आउट हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम 87 रन से ये मुकाबला जीत गई थी। एक और मुकाबला हुआ था यहाँ पे 9 जून 2019 को 352 रन 5 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे इंडिया की टीम बनाई थी, आई थिंक ये वर्ल्ड कप का मुकाबला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 316 रन 10 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे बना पाई थी, मतलब चेज नहीं कर पाई थी, और इंडिया की टीम 36 रनों से ये मुकाबला जीत गई थी, ठीक। थोड़ा सा और आगे हम लोग आते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या डाटा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 जून 2019 को एक मुकाबला खेला गया था, बांग्लादेश की टीम ने 244 रन बना के ऑल आउट हो गई थी, न्यूजीलैंड की टीम इसको चेस कर गई थी 248 रन, 2 विकेट अभी हाथ में था तभी चेस कर गई थी। एक और मुकाबला 2 जून 2019 को खेला गया था, हुआ यह था कि बांग्लादेश की टीम 330 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाई थी और जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम इसको चेस नहीं कर पाई थी, 309 ही रन बना पाई थी, 21 रन से ये मुकाबला बांग्लादेश की टीम वोन कर गई थी। एक और मुकाबला 30 मई 2019 को खेला गया था, ये सारे मुकाबले का इस वर्ल्ड कप के हैं, ठीक है। इंग्लैंड की टीम ने
ने 311 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाया था, वहीं साउथ अफ्रीका की टीम 207 ही रन महज बनाकर ऑल आउट हो गई थी। तो यहां से आप लोग देख सकते हो सारे मुकाबले में गाइस अच्छा खासा स्कोर बना है। देखिए यहां से 300 प्लस 300 भी यहां पे बना दोनों पारी में, भले चेस ना हुआ हो, इंग्लैंड खेली 311, ठीक है। इधर हम लोग आते हैं तो यहां पे भी देखेंगे अगर आप, तो देखिए 352, 316, 334। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 260 से आप लोग 300 तक मान सकते हो गाइस इसको, ठीक है, एवरेज इतना स्कोर बनना चाहिए। और हाँ, विकेट भी यहाँ पे अच्छे खासे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। देखिए 9 विकेट यहाँ पे, 10 विकेट, 10 विकेट, 5 विकेट, 7 विकेट, 2 विकेट, तो हर मुकाबले में विकेट भी देखने को मिल रहा है। फिर से यहाँ पे आऊँ तो देखिए 10-8-18 विकेट, 6-6-12-12-2-14 विकेट, 10-8-18 विकेट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो विकेट भी अच्छा खासा गिरेगा और बैट्समैन रन भी बनाएंगे। अब बात करते हैं गाइस इंडिया की तरफ से कौन से प्लेयर जो कि पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है इंडिया की तरफ से। सबसे पहले फोन को फ्लाइट में डाल देता हूँ, कोई कॉल वगैरह ना आए, कोई भी वीडियो में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। देखिए शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा ओपन करते हुए दिख जाएंगे। शिखर धवन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, वही रोहित शर्मा जो कि टीम के कैप्टन है राइट हैंड बैटिंग करते हैं। विराट कोहली गाइस बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। होप गाइस वनडे सीरीज खेली जा रही है, यहां से ये अपना लय पकड़ ले, फिर से ये हमारा किंग कोहली बन जाए यार, एकदम भी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। बात करते हैं श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है यहां पे 4 नंबर पे खेलते हुए दिख जाएंगे, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, या तो हो सकता है यहां पे सूर्य कुमार यादव भी खेलते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से बोल रहा हूं टेलीग्राम से गाइस आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, टॉस के बाद ये सब मालूम चलेगा तो वहीं पे मैं बता पाऊंगा। उसके बाद ऋषभ पंत की बात करते हैं, ये क्यों हो सकता है, ये तो कंफर्म खेलेंगे, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, 5 नंबर पे खेलते हुए दिख जाएंगे। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, ऑलराउंडर वाला काम करने वाले हैं, राइट हैंड बैटिंग प्लस राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। और देखिए शार्दुल ठाकुर यहाँ से हो गए, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, यूजी चाय, हो सकता है इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 ये हो। आप लोगों को जल्दी जल्दी इस वजह से बता रहा हूँ गाइस क्योंकि इसके बाद मुझे प्लेयर के ओवरऑल रिकॉर्ड भी रखना है ओडीआई के, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 जेसन रॉय के साथ हो सकता है, फिलिप साल्ट ओपन करते हुए दिखें आप लोगों को, जो रूट, मतलब विराट कोहली जितना ही आउट ऑफ फॉर्म है जो रूट उतना ही ज़्यादा कंसिस्टेंट वाले फॉर्म में है। उसके बाद हो सकता है जॉनी बेस्टो यहाँ पे टू डाउन खेलते हुए दिख जाए, लियम लिविंगस्टन हार्ड हिटर है, बेन स्टोक यहाँ पे खेलते हुए दिख सकते हैं, डेविड विली है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखो लियम लिविंगस्टन के बाद हम, मुझे लगता है कि जॉस बटलर खेलेंगे, उसके बाद बेन स्टोक आएंगे। देखिए जॉस बटलर आप लोगों को मालूम है T20 में ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए वनडे में कैप्टन है, कैप्टन की बात नहीं है, वनडे में ये नीचे ही खेलते हैं, 4-5 डाउन ये बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद बेन स्टोक यहाँ पे खेलते हुए दिख जाएंगे, उसके बाद हो सकता है डेविड विली खेले, रिस्टोपली, क्रेग ओवरटन, मैथ्यू पार्किंसन हो सकता है खेलते हुए दिख जाए। अब बात करते हैं गाइस पूरे ओवरऑल प्लेयर्स के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग इंग्लैंड के प्लेयर के रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। जॉस बटलर की बात करते हैं, टीम के कैप्टन है, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। इनका रिकॉर्ड देखिए 151 मैच 4120 रन 41 का इनका एवरेज है। उसके बाद मोइन अली की बात करते हैं, 115 मैच में 1919 रन 25 का इनका एवरेज है, वही बॉलिंग से 106 पारी में 90 विकेट भी इनके नाम है। हैरी बुर्क की बात करते हैं, लिस्ट ए का रिकॉर्ड इनका मैं रख रहा हूं बिकॉज आज तक इन्होंने ओडीआई का एक भी मुकाबला खेला नहीं है। हो सकता है इस सीरीज में ये आप लोगों को डेब्यू करते हुए दिख जाए, पहले मुकाबले में नहीं खेलेंगे, जब कभी भी खेलेंगे आप लोग इनका रिकॉर्ड जरूर याद रखना। 15 मुकाबले में 343 रन 31 का इनका एवरेज। सैम कुरन की बात करते हैं, 13 मैच में 141 रन 28 का इनका एवरेज, वही बॉलिंग से 13 पारी में 14 विकेट भी इनके नाम है। जॉनी बेस्टो की गाइस यहां से बात करते हैं, 89 मैच में 3498 रन 47 का इनका एवरेज, और बहुत ही मतलब गजब की फॉर्म में है यार जॉनी बेस्टो, टेस्ट को भी T20 बनाकर खेल रहे थे अभी कुछ दिन पहले। ब्रेंडन केथ की बात करते हैं, 5 मैच में 9 विकेट इनके नाम है। लियम लिविंगस्टन की बात करते हैं, 6 मैच 142 रन 47 का इनका एवरेज है, और हिटिंग के लिए इनको इंग्लैंड की टीम भी यूज करती है। बॉलिंग से 3 पारी में 3 विकेट भी इनके नाम है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक सब फेंकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग इनका यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं क्रेग ओवरटन की, 4 मैच में 4 विकेट इनके नाम है, और ये बैटिंग भी गाइस कर लेते हैं, बहुत अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। मैंने टेस्ट में देखा था, एक मैच में शायद 94 या 97 रनों का न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर किया था। जो रूट की बात करते हैं, टीम के एकदम प्रमुख यहाँ पे, जो कि विराट कोहली इंडिया की तरफ से वही सेम काम करने वाले हैं जो रूट इंग्लैंड की तरफ से, 152 रन 6109 रन 51 का एवरेज है। गाइस एवरेज सब कुछ इनका बयां कर देता है। मैथ्यू पार्किंसन की बात करते हैं, 5 पारी में 5 विकेट इनके नाम है, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं। जेसन रॉय की बात करते हैं, 101 मैच 3823 रन 41 का इनका एवरेज है। फिलिप साल्ट की गाइस बात करते हैं, देखिए अभी नीदरलैंड से सीरीज खेली जा रही थी, हर मैच में यार बंदा कंसिस्टेंट स्कोरिंग कर रहा था, 6 मैच 352 रन 58 का इनका एवरेज है, लेकिन 6 मैच से हम किसी भी प्लेयर को जज नहीं कर सकते। और
एक और बात यह है कि सामने उस वक्त नीदरलैंड की टीम थी, यहाँ पे इंग्लैंड की टीम होने वाली है, लेकिन हाँ अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। रिस टोपली की बात करते हैं, 15 पारी में 15 विकेट इनके नाम है। डेविड विली की बात करते हैं, 55 पारी में 77 विकेट इनके नाम है। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। बेन स्टोक की बात करते हैं, 101 मैच 2871 रन 40 का इनका एवरेज है, प्लस बॉलिंग से 85 पारी में 74 विकेट भी इनके नाम है। तो होप आई थिंक आप लोगों को यहाँ से इंग्लैंड के पूरे प्लेयर्स का रिकॉर्ड समझ में आया हो। अब चलते हैं गाइस यहाँ से हम लोग इंडिया के प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखते हैं। कप्तान रोहित शर्मा यहां से देख सकते हो, 230 मैच 9283 रन 48 का लगभग इनका एवरेज है। शिखर धवन की बात करते हैं, बहुत दिनों के बाद वापसी कर रहे हैं भारतीय टीम में, होप अच्छा खासा परफॉर्मेंस दें। 149 मैच 6284 रन 45 का इनका एवरेज है। बात करते हैं हर्षदीप सिंह को, देखिए डेब्यू कर सकते हैं इस मैच में, जरूरी नहीं है कि इस मैच में डेब्यू करें, जब कभी भी करेंगे आप लोग रिकॉर्ड देख लो ठीक है। यहाँ से क्या कुछ रिकॉर्ड है गाइस, 17 मैच में 21 विकेट इनके नाम है। श्रेयस अय्यर मुझे लगता है इस मैच में टू डाउन खेल सकते हैं ठीक है, या तो सूर्य कुमार यादव भी खेल सकते हैं। अब जो खेलेगा मैं दोनों सबका रिकॉर्ड दिखा दूंगा, आप लोग अपने तरफ से डिसाइड कर लेना। देखो 26 मैच में 947 रन 41 का इनका एवरेज है। यूजी चहल की बात करते हैं, इंडिया की तरफ से प्रमुख स्पिनर है, 61 पारी में 104 विकेट इनके नाम है, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं। विराट कोहली की गाइस देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था जो रूट इंग्लैंड की तरफ से अपने इंडिया टीम की तरफ से, विराट कोहली 58 का एवरेज रखते हैं, 260 मैच में 12311 रन है गाइस, देख सकते हो मतलब क्या परफॉर्मेंस है यार किंग कोहली का। यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जरूर है, बट कोई नहीं यार, फॉर्म इज टेम्पोररी, क्लास इज परमानेंट, दिस प्लेयर इज आल्सो परमानेंट ठीक है गाइस। जडेजा की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग प्लस स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। यहाँ से 169 मैच में 2411 रन 32 का इनका एवरेज है। बॉलिंग से 164 पारी में 188 विकेट भी गाइस इनके नाम है। और अभी मालूम है T20 सेकंड T20 में मैच विनिंग पारी भी खेले थे इंडिया की तरफ से। ईशान किशन 3 मैच 88 रन 28 का इनका एवरेज है। मोहम्मद शमी की भी गाइस वापसी हुई बहुत दिनों के बाद, 79 मैच में 148 148 विकेट है गाइस। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं ठीक है। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, 4 पारी में 5 विकेट इनके नाम है। हार्दिक पांड्या की यहाँ से बात करते हैं, 63 मैच 1286 रन गाइस 32 का इनका एवरेज है। वही बॉलिंग से 58 पारी में 57 विकेट भी इनके नाम है। प्रमुख ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले हैं ये और जडेजा। ऋषभ पंत की बात करते हैं गाइस, आप लोगों को मालूम है टेस्ट जो कि 5वां टेस्ट खेला गया था, इंग्लैंड इंडिया का T20 बना दिए थे टेस्ट को, 24 मुकाबला 715 रन 32 का इनका एवरेज है, खेलने वाले हैं ये। अक्षर पटेल को देख लीजिए, 38 पारी में 45 विकेट इनके नाम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 7 मैच में 18 विकेट है यार, देख सकते हो हर मैच में लगभग 2.5 से 3 विकेट मान सकते हो। शार्दुल ठाकुर के देखिए, 19 पारी में 25 विकेट इनके नाम है। और ये बैटिंग भी थोड़े बहुत कर लेते हैं, जैसे कि इंग्लैंड की तरफ से डेविड विली बैटिंग करते हैं ना, अपने इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर को आप लोग मान सकते हो। सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड देख लीजिए, देखिए 57 का एवरेज है, 7 मैच में 267 रन है ठीक है। तो होप आप लोगों को इंडिया की तरफ से इनकी पूरी प्लेयर्स की आप लोगों को समझ में आया होगा ओवरऑल रिकॉर्ड। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लेना, आप लोगों को काम आ जाएगा। कोई प्लेयर इसमें से अगर नहीं खेलता प्लेइंग 11 में से और इन फ्यूचर किसी मैच में खेलता है तो आप लोग यहां से नजर जरूर रखना उस पर। गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अगर सिर्फ टीम देखना है तो गाइज कोई फायदा नहीं, आप लोग फैंटेसी में कभी भी अच्छा भी नहीं कर पाओगे। मैं वीडियो में पिछले 10 से 11 मिनट से बोल रहा हूं, तो आप लोगों को बहुत कुछ मैंने वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो देख कर आइएगा तो टीम भी समझने में आप लोगों को आसानी होगा ठीक है। बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, 3 आप लोगों को विकेट कीपर आई थिंक 100% खेलते हुए दिखने चाहिए, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, ऋषभ पंत। फिलहाल के तौर पर मैं जॉनी बेस्टो और जॉस बटलर के साथ जा रहा हूँ, ऑप्शन ऋषभ पंत का भी है। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं अपनी टीम में ऋषभ को ट्राई कर सकता हूं ठीक है। फिलहाल के लिए 2 विकेट कीपर मैं लेकर चल रहा हूं। बात करते हैं यहां से देखिए बैटिंग सेक्शन से, जो रूट, शिखर धवन और यहां से विराट कोहली मेरे टीम में। मैं लेना चाह रहा था गाइस रोहित शर्मा को, पर क्रेडिट इशू के वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूं। देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा का, विराट कोहली का पहले देखिए मात्र 24% इनका सिलेक्शन है ठीक है, रोहित शर्मा का 62% सिलेक्शन है, लेकिन दोनों ही प्लेयर आईपीएल से आउट ऑफ फॉर्म है। रोहित शर्मा का क्या है, ये 30s में स्कोर कर रहे हैं और विराट कोहली 30s पार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्कोर दोनों की बैट से अगर देखा जाए तो एक नहीं आ रहा है, जिस तरह के जिस लेवल के प्लेयर हैं उस लेवल का इनका स्कोर आ नहीं रहा है ठीक है। फिलहाल के लिए मैं विराट कोहली को लेकर चल रहा हूं, आप लोग चाहो तो रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए विराट कोहली। अगर क्रेडिट है गाइस तो आप लोग बिल्कुल यहां से चाहो तो रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हो। जो रूट 100% टीम में मैं रखूंगा, बॉलिंग भी पार्ट टाइम करके दे सकते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं, देखिए अगर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं तो एवरेज अच्छा खासा, आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिर यहां से लियम लिविंगस्टन का ऑप्शन है, आप लोग चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। ये मैच गाइस स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि दोनों टीम
की तरफ से बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं और 22 प्लेयर क्रिकेट में होते हैं और 22 में से 22 प्लेयर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी प्लेयर अगर हमने गलत सेलेक्ट कर लिया और हमारा अपोनेंट अच्छा प्लेयर लेकर आएगा तो हम लोग हार जाएंगे, ठीक है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ स्पेशली आप लोग ग्रैंड लीग फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा आप लोगों को बेटर रहने वाला है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन, तो देखिए ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक, रविंद्र जाडेजा को मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ से। ऑप्शन की बात करते हैं, मोइन अली का ऑप्शन है। देखिए अगर मुझे कम चांसेस लगता है कि खेलें, अगर खेलते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए जडेजा के प्लेस पे मैं चाह रहा तो रोहित शर्मा को लेने, लेकिन वही बात है क्रेडिट इशू है, या तो जडेजा के प्लेस पे आप लोग लियाम लिविंगस्टन को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जडेजा के साथ जा रहा हूँ क्योंकि लियाम लिविंगस्टन बॉलिंग ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन जडेजा ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से, तो देखिए बुमराह के कम चांसेस है खेलने का, तो अगर खेलते हैं तो ठीक है। देखिए फिलहाल के लिए मैं बुमराह को ले ले रहा हूँ, बुमराह, विली और मोहम्मद शमी मेरी टीम में रहने वाले हैं। और ऑप्शन की बात करते हैं तो यूजी चहल, रिस्ट ओपली है गाइस, बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। देखिए प्रसिद्ध कृष्णा का मैंने भी रिकॉर्ड दिखाया था, 7 मैच में 18 विकेट है गाइस, मजाक थोड़ी है यार। और इसी वजह से बोल रहा हूँ दोनों टीमों की तरफ से मैच विनिंग प्लेयर हैं, तो अगर थोड़ा सा भी टीम का इधर उधर बैलेंस हुआ तो मैच निकल सकता है। तो स्पेशली आप लोग ग्रैंड लीग फोकस कीजिए, मैंने वीडियो में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, ठीक है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मेरे टीम के कैप्टन जो रूट रहने वाले हैं, जो कि हो सकता है पार्ट टाइम कुछ बॉलिंग भी करें, और बैटिंग से 51 का एवरेज है और टेस्ट में मतलब बहुत ही कंसिस्टेंट स्कोर बना रहे हैं। 2019 में गाइस मैं आप लोगों को अगर टेस्ट का रिकॉर्ड रखूं तो विराट कोहली का 2019 में 27 शतक था और जो रूट का 17 शतक था, लेकिन 2022 में विराट कोहली का 27 ही शतक रह गया और जो रूट 27 तक फिर से पहुंच गए, ठीक है। तो आप लोग इनसे इनका अंदाजा लगा सकते हो फॉर्म का। हार्दिक पांड्या को फिलहाल के लिए वाइस कैप्टन मैं ट्राई कर रहा हूं। ऑप्शन की बात है, बेन स्टोक भी यहां से सही ऑप्शन है, बहुत सारे लोग जॉस बटलर के साथ भी जाएंगे लेकिन बैटिंग डाउन थोड़ा नीचे है, लेकिन वनडे का मुकाबला है तो इसमें ज्यादा बैटिंग डाउन का कोई मैटर करता नहीं है। तो फिलहाल के लिए मेरी यही टीम रहने वाली है। अगर गाइस इसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो मैं आप लोगों को कहां बता पाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। क्रिक 2580 लिखकर सर्च कर लेना, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चल जाना, लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू आप लोग आ जाना। गाइस प्लीज सब्सक्राइबर मत देखिए, मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया सब्सक्राइबर क्यों कम है। तो होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।